हे गाइस, जैसा कि कल जीतिया था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब भी हम जीतिया करते हैं ना, हमें कन्फ्यूज़न होता है कि पारण कैसे करना है, तो दक्षिणा में जो क्या दान करना है, पंडित जी को क्या देना है। तो आज मैं आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। हर किसी का अलग नियम होता है और उस नियम के अनुसार ही लोगों को अपने जीतिया का पारण या फिर तीज जो भी त्यौहार करते हैं, आप अपने ससुराल वालों के नियम से ही आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो नियम है मैं वो आपको दिखा रही हूँ। व्रत के नेक्स्ट डे जब हम पारण करते हैं उससे पहले हमें कुछ दान करना होता है। यहाँ पे मैंने चावल, दाल, साथ ही 5 तरह की सब्जियाँ और हल्दी नमक दान किए हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने घी भी दिया है, अगर आप चाहें तो तेल भी सकते हैं। इस तरह पारण बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए, साथ ही हमें दान भी बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। लेकिन जितनी आपकी श्रद्धा हो, जो आप चाहें बिल्कुल दान कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पर है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी को थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय।